हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेसेस में फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के जो सारे टॉपिक्स थे इसके पहले वीडियो में हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, फैक्टर इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस यानी कि यहाँ पे आज हम लोग क्या बताने जा रहे हैं, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं या फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट हैं, ठीक है। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस टू टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और नेक्स्ट क्या होता है, इंटरनल होता है। पहला है क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में देखिए क्या क्या आते हैं, सनलाइट आता है, टेम्परेचर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता है, ठीक है। तो सनलाइट क्या है, सनलाइट देखिए, अगर सनलाइट है तो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, ठीक है। यानी कि जहाँ सनलाइट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस है, जहाँ सनलाइट नहीं है वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि सनलाइट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, प्लांट है, ठीक। यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट है और प्लांट है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, और जहाँ पर प्लांट हो वहाँ सनलाइट ना हो तो वहाँ कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। तो देखिए, जैसे सनलाइट हमारे प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक, उसी प्रकार टेम्परेचर भी हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जैसे मान लीजिए टेम्परेचर हाई हो गया, सनलाइट का टेम्परेचर हाई हो गया तो प्लांट हमारा क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, ठीक है ना। टेम्परेचर हमारा हाई हो गया, सनलाइट का टेम्परेचर हाई हो गया तो क्या होगा, हमारा बर्न हो सकता है प्लांट। अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी लो रहेगा, ठीक है। अगर लिमिट में अगर रहेगा तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्लांट क्या करेगा, सनलाइट लेता है, सनलाइट लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तभी तो अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसे नहीं मिलेगा तो वो अपना प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा पाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे सनलाइट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाटर। वाटर देखिए, वाटर से तो सारे ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है। वाटर से क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब कि हम लोग लिविंग कैसे हैं, वाटर के बिना लिविंग नहीं हो सकते हैं। वाटर है अर्थ पे तो क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स लिविंग रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि वाटर अगर प्लांट को मिलेगा तभी तो प्लांट टूटेगा, जब प्लांट टूटेगा तो ऑक्सीजन बनाएगा, जब ऑक्सीजन बनाएगा तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वाटर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, प्लांट के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए, ठीक है। यानी कि वाटर अगर प्लांट को मिलेगा तो वो क्या करेगा, प्लांट टूटेगा, प्लांट टूटेगा तो ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा तो ऑक्सीजन हमें देगा प्लांट, ठीक। ऑक्सीजन हमें देगा मतलब ऑक्सीजन को हम इंटेक करेंगे या इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे तो हम लोग भी क्या होंगे, लिविंग हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, या मतलब कि वाटर से ही हम लोग क्या है, लिविंग है, वाटर से ही प्लांट क्या है, लिविंग है। जिस प्रकार प्लांट क्या होता है, ग्रोथ होता है वाटर से, उसी प्रकार हम लोग भी वाटर से ही क्या होते हैं, ग्रोथ होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ओरिएंटेशन का मतलब ये है यानी कि आपका लीफ जैसे ऐसे है लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे सनलाइट अगर डायरेक्ट पड़ेगा, सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छी नहीं होगी, ठीक। अब वही लीफ ऐसे रहे, लीफ ऐसे रहे, ऐसे का मतलब समझ रहे, यानी कि लीफ का सरफेस जो है वो ऊपर की साइड होनी चाहिए, वो ऊपर की साइड होनी चाहिए, मतलब सनलाइट के एरिया में आनी चाहिए, ठीक है। सनलाइट अगर इस एरिया पे पड़ रही है, लीफ के सरफेस पे सनलाइट पड़ रही है इस एरिया में, तो फोटोसिंथेसिस बेस्ट होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बेस्ट होगा, समझ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। देखिए, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल का अमाउंट अगर एक्सेस है, ज्यादा है, तो फोटोसिंथेसिस अच्छी नहीं होगी, ठीक है। क्लोरोफिल का अमाउंट ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस अच्छी नहीं होगी, कम है तो होगी बट कम होगी, होगी फोटोसिंथेसिस लेकिन क्या होगी, कम होगी। अगर मीडियम में है, ठीक है, मीडियम में है तो क्या होगी, फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी, बेस्ट होगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, एज ऑफ लीफ। एज ऑफ लीफ का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर लीफ का एज भी देखा जाता है। इंटरनल फैक्टर्स जो है इसमें लीफ का एज भी देखा जाता है, यानी कि लीफ तीन तरह से हो सकते हैं। ओल्ड लीफ, ठीक है, ओल्ड लीफ है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। ओल्ड लीफ रहेगा तो फोटोसिंथेसिस क्या रहेगा, डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा, ठीक है, कम होगा, और ज्यादा होगा भी तो एक टाइम ऐसा रहेगा कि डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, मेच्योर लीफ, ठीक है, मेच्योर लीफ, यानी कि लीफ क्या रहेगा, मेच्योर रहेगा, यंग रहेगा लीफ, यानी कि ओल्ड और बेबी के मध्य में लीफ रहेगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस वेरी वेरी बेस्ट रहेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बेस्ट प्रोसेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, बेबी लीफ, अगर बेबी लीफ रहेगा, बेबी लीफ रहेगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छी नहीं होगी, ठीक है, अच्छी नहीं, क्या कहने का मतलब ये कि बेबी लीफ रहेगा फोटोसिंथेसिस वहां पर न के बराबर रहेगी, ठीक है, वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस न के बराबर रहेगी। यहाँ पे क्या है, ओल्ड लीफ है, ओल्ड लीफ का मतलब यानी फोटोसिंथेसिस अच्छी नहीं होगी, और मेच्योर लीफ, मेच्योर लीफ यानी कि यंग है, लीफ यंग है तो फोटोसिंथेसिस बहुत मस्त होगी, अच्छी होगी, ठीक है, और बेबी लीफ है, बेबी लीफ है तो फोटोसिंथेसिस होगी या नहीं होगी, नहीं होगी मतलब यहाँ न के बराबर फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो रहेगा बेबी लीफ में न के बराबर रहेगी, ओल्ड लीफ में थोड़ी अच्छी होगी, ठीक है, लेकिन मेच्योर लीफ में बेस्ट होगी, ठीक। अब देखिए क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम लोग सनलाइट बोले थे, तो सनलाइट देखिए क्या है यहाँ पे, क्या मतलब कि सनलाइट किस लिए इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए वो बताया गया। देखिए, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो सनलाइट है वो क्या है, सोर्स है एक लाइट और फोटोसिंथेसिस के ग्रीन प्लांट्स के लिए, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में लाइट और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या सनलाइट एक सोर्स है, ठीक है, एक उसका क्या है, फोटोसिंथेसिस या लाइट का स्रोत है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ओनली 2% ऑफ टोटल सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि अर्थ में जितना सनलाइट पड़ता है, सनलाइट अर्थ पर जितना पड़ता है उसका सिर्फ 2% ही हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट में, ठीक है, हम लोग 2% ही यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट में, फिर भी 2% बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप 1% भी कर सकते हैं 2%, लेकिन 2% से ज़्यादा नहीं कर सकते, 2% से ज़्यादा करेंगे तो हमारा प्लांट बर्न हो सकता है, ठीक है, प्लांट क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। क्यों बर्न होगा, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा तेज पड़ेगी, उसका प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, प्लांट उसको झेल नहीं पाएगा, ठीक है, प्लांट उसको क्या करेगा, झेल नहीं पाएगा तो वो क्या होगा, बर्न होने लगेगा, ठीक। अब क्या है, देखिए कहने का मतलब ये है कि सनलाइट यहाँ पे, यानी कि सनलाइट जितना अर्थ पर पड़ता है उसका सिर्फ 2% ही यूज कर सकते हैं, 2% से ज़्यादा नहीं, 2% से ज़्यादा करेंगे तो हानि होगी, किसको, प्लांट को हानि होगी, प्लांट को हानि होगी मतलब हमें भी हानि होगी, ठीक है, प्लांट को हानि होने का मतलब क्या है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ह्यूमंस हैं अर्थ पे, जो एनिमल्स हैं, सबको हानि होगी, ठीक है, समझ रहा है। अब क्या है, इसलिए कहा गया है यहाँ पे 2% यूज कर सकते हैं या तो 1% यूज कर सकते हैं, किसका, सनलाइट का, किसके लिए, प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक, न उससे कम होना चाहिए, 1-2% यूज कर सकते हैं, न उससे कम होना चाहिए, न तो 2% से ज्यादा होना चाहिए सनलाइट, ठीक। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर देखिए क्या है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर अप टू 40°C, यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 40°C ही होना चाहिए टेम्परेचर का, फोटोसिंथेसिस में रेट सिर्फ 40°C होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अबव दिस टेम्परेचर देयर इज अ डिक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए पहले हम समझा देते हैं, ये क्या है, प्लांट है, ठीक है, -18°C अगर हम लोग यूज करते हैं, -18°C टेम्परेचर की यूज अगर हम लोग करते हैं तो प्लांट क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जब फॉर्म्ड एक्टिविटी यानी कि एंजाइम जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, स्टॉप वर्क हो जाएगा,
स्टॉप वर्क हो जाएगा, यानी कि काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है। माइनस 18 डिग्री सेल्सियस का यूज करेंगे तो वर्क स्टॉप हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं, हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, प्लांट है, प्लांट को क्या करना रहता है, ग्रोथ करना रहता है। ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए हमें, हार्मोन चाहिए। ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए। हार्मोन किससे बनता है, प्रोटीन एंड फैट से बनता है। हार्मोन किससे बनता है, प्रोटीन एंड फैट, और भी सारी चीजें थी, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। फिर क्या है, फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, क्या बनाता है हार्मोन, फिर क्या बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, ठीक है। हार्मोन क्या बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा। तो 18 डिग्री सेल्सियस का यूज करेंगे एंजाइम्स में, ठीक है, प्लांट में 18 डिग्री सेल्सियस का यूज करेंगे, यानी कि टेम्परेचर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर का यूज अगर करेंगे तो क्या होगा, वर्क स्टॉप हो जाएगा। वर्क स्टॉप हो जाएगा मतलब इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब देखिए, माइनस 18 डिग्री सेल्सियस से मतलब क्या है, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से कम है, 40 डिग्री सेल्सियस से क्या है, कम है, कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्लांट डिक्रीज हो रहा है, या प्लांट डैमेज भी हो सकता है, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ग्रोथ नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, यानी वो डैमेज कर जाएगा। फिर क्या है, अगर 60 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की बात की जा रही है, 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की बात की जा रही है, 60 डिग्री सेल्सियस एंजाइम है, ठीक है। फिर वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस अगर एंजाइम है तो वो डीनेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीनेचर अगर हो जाएगा, डीनेचर का मतलब क्या है, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, इसका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा प्लांट का, ठीक है। डीनेचर हो जाएगा मतलब क्या है, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। ग्रोथ स्टॉप होने का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो वही कहा गया है कि फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, डिक्रीज। फिर क्या लिखा है, द टेम्परेचर अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस बाय अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। वही बताया गया है कि टेम्परेचर अगर ज्यादा यूज करेंगे तो भी अफेक्ट होगा हमारा फोटोसिंथेसिस, प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम है, लो है, 40 डिग्री सेल्सियस से कम है तो भी वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या प्लांट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर का अगर जरूरत होती है, टेम्परेचर का वो होता है, ठीक है, टेम्परेचर अगर जरूरत होती है यहाँ पे सनलाइट के लिए, या कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वाटर के लिए, किसी भी टेम्परेचर की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो कितना होनी चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस, न इससे ज़्यादा न इससे कम, ठीक है। कितना होना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस, न इससे ज़्यादा न इससे कम। इससे ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इससे कम रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, CO2, CO2 मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, एटमॉस्फेयर इज द मेन सोर्स ऑफ CO2 फॉर टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन सोर्स है किसका, टेरेस्ट्रियल प्लांट का। किसका है, टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जो लैंड पर होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पर प्लांट होते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड मेन सोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेन सोर्स होता है। फिर इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा, तब भी फोटोसिंथेसिस अच्छी नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा अमाउंट में कंसंट्रेशन होगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छी नहीं होगी। बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए, न तो ज्यादा होना चाहिए न तो कम होना चाहिए। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। द एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड proves to be toxic to the cell, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस अमाउंट रहेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो ये क्या रहेगा, प्लांट के लिए टॉक्सिक का काम करेगा। टॉक्सिक का काम करेगा मतलब पॉइजन का काम करेगा, ठीक है। टॉक्सिक का काम करने का मतलब क्या है, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, पॉइजन होता है, पॉइजन का काम करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्लांट डैमेज हो जाएगा,
पॉइजन का काम करेगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा प्लांट हमारा, ठीक। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी एक लिमिट मात्रा की जरूरत होती है, एक लिमिट अमाउंट की जरूरत होती है, ना तो उससे ज्यादा ले सकते हैं आप, ना तो उससे कम यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा यूज करेंगे फिर भी वो अफेक्ट होगा, उससे कम यूज करेंगे फिर भी वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, यानी टॉक्सिक का काम करेगा, मतलब वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वाटर। वाटर का देखिए क्या रोल है यहाँ, ओनली 1% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड वाटर H2O यानी वाटर की बात की गई इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। पी यहाँ लिखा है पी मतलब कि फोटोसिंथेसिस की बात की गई है, यानी फोटोसिंथेसिस में जल की वाटर की सिर्फ 1% अमाउंट की आवश्यकता होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की सिर्फ 1% अमाउंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। लॉस अवेलेबिलिटी ऑफ H2O reduces the rate of photosynthesis, यानी कि water loss रहेगा तो photosynthesis भी less रहेगा, water less रहेगा तो photosynthesis less रहेगा, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है कि water कम रहेगा तो photosynthesis भी क्या रहेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। या और वाटर एक्सेस रहेगा तो भी, अगर वाटर एक्सेस रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि वाटर एक्सेस, अगर वाटर मान लीजिए किसी प्लांट को वाटर की जितना आवश्यकता है, अगर आप उससे ज्यादा डाल देंगे उस प्लांट को, अगर आप वाटर ज्यादा दे देंगे तो प्लांट क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, सड़ गल जाएगा, मतलब क्या वो डैमेज हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और अगर आप कम देंगे तो क्या हो जाएगा, सूख करके डैमेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लांट सूख करके डैमेज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वाटर के लिए भी सिर्फ 1% जल की आवश्यकता होती है, ना तो 1% से ज्यादा ना 1% से कम, या तो जिस प्लांट को जिस अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है उसी अमाउंट में आपको वाटर देना चाहिए। अगर वाटर ज्यादा दे देंगे तो वो सड़ गल जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा, ठीक। अगर कम दे दिए तो वो सूख करके डैमेज हो जाएगा। यानी कि इस टॉपिक में जितना हम लोग पढ़े हैं, इस पूरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज यूज करिए आप प्लांट के लिए तो एक लिमिट अमाउंट में, ठीक है, ना तो एक्सेस अमाउंट में ना तो लेस अमाउंट में, ठीक। एक्सेस अमाउंट में करने पर भी प्लांट डैमेज हो सकता है और लेस अमाउंट में भी यूज करने पर प्लांट क्या हो जाए, डैमेज हो सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब, पूरा कहानी का मतलब ये था कि कोई भी चीज यूज करिए तो लिमिट अमाउंट में, ठीक है ना स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए।